गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस किया था फाइबर के बारे में कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है एंड जो अपना नेचुरल फाइबर क्या होता है उसके बारे में अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी देख लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी बनाने की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो दे रखा है ए सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल मोनोमर, कि जो सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, मोनोमर की लंबी चेन से बनाए जाते हैं। मोनोमर का मतलब होता है एकलक। तो मोनोमर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, कि मोनोमर आपस में जॉइन होंगे जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ए पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, पॉलीमर क्या होता है कि लार्ज नंबर यूनिट होती है किसकी, मोनोमर की। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर यूनिट टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, कि मोनोमर का आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाएगी, अपनी पॉलीमराइजेशन कहलाती है। आज बात करते हैं मोनोमर, ये देखो एग्जांपल मोनोमर की छोटी छोटी यूनिट है ऊपर दे रखी हैं और जो आपस में जब जुड़ जाएंगी तो ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेंगी, जिस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि जो पॉलीमर से फाइबर बनते हैं तो फाइबर देखते हैं कि कौन कौन से फाइबर होते हैं। तो सम कॉमनली सिंथेटिक फाइबर आर एज फॉलो। तो सबसे पहले बात करते हैं रियॉन। तो रियॉन वाज प्रिपेयर्ड टूवर्ड द एंड ऑफ 19th century, कि 19th century से क्या हो रहा है कि इसका फॉर्मेशन चल रहा है। रियॉन हैज सिल्की टेक्सचर, ये कैसा होता है, सिल्क जैसे कि अपना सिल्क होता है ना रेशम, उसकी जैसा इसका भी क्या होता है टेक्सचर, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सिल्की होती है। दिस इज वाई रियॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क मतलब रेशम, किसे अपन क्या कहते हैं आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, तो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, रियॉन को अपन क्या कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। रियॉन इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, कि जो पल्प का मतलब होता है गूदा, कि जो प्लांट होते हैं पेड़ होते हैं उसके अंदर जो सेल्यूलोज होता है उसके वुड पल्प से किसका फॉर्मेशन किया जाता है, रियॉन का फॉर्मेशन किया जाता है। रियॉन इज चीपर देन सिल्क, जो रियॉन क्या होता है सस्ता होता है किससे, सिल्क से, जो सिल्क होता है रेशम जिसको अपन बनाते हैं वर्म से बनाते हैं वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन ये जो रियॉन बनाया जाता है वो काफ़ी सस्ता होता है। इट कैन बी डाइड इन मैनी कलर एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, रियॉन कैन बी ब्लेंडेड विद कॉटन टू फॉर्म क्लोथिंग मटेरियल, किसको आसानी से अपन रंग सकते हैं अलग अलग तरीके के, इसके अंदर कलर डाल सकते हैं, और दूसरा ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स करना, इसको अपन कॉटन के साथ मिक्स करके दूसरे कपड़े भी इससे बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूजेज की। तो फर्स्ट यूज आता है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक, कि इसको जो टेक्सटाइल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे कपड़ों का फॉर्मेशन किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। देन सेकेंड हो गया इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, जो कारपेट बिछाने के अंदर काम में आते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर टायर कोड, जो टायर बनाए जाते हैं उसके अंदर के अंदर जो धागे वगैरह डालते हैं टायर्स के अंदर, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, कि जो अपनी पट्टियाँ वगैरह होती हैं जो ड्रेसिंग करते हैं कहीं घाव चोट के ऊपर, जो डॉक्टर यूज करते हैं बैंडेज वगैरह होते हैं उनके लिए भी इसी का यूज किया जाता है। तो ये हो गया अपना रेयॉन। और इसके बाद में बात करते हैं सेकंड आता है नायलॉन। नायलॉन भी क्या है सिंथेटिक पॉलीएमाइड फाइबर है, ये भी क्या है रेशा है, फाइबर का मीन्स रेशा,
नायलॉन भी क्या है, पॉलीएमाइड फाइबर है। इन दिस रेस्पेक्ट नायलॉन रिजेंबल विद सिल्क एंड वूल विच आर आल्सो नेचुरल पॉलीएमाइड फाइबर। कि ये कैसे दिखते हैं, सिल्क के जैसे, और जो अपनी ऊन होती है उसके जैसे इसका जो नेचर होता है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इसको ये क्या है, पूरी तरीके से सिंथेटिक है, कि इसके अंदर कोई भी नेचुरल चीज़ें नहीं मिलाई गई है। इट इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो अपना कच्चा तेल आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है, उससे इसको क्या किया जाता है, रिसाइकिल करके इसके अंदर से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो अब इसके क्या है, काफ़ी यूज है नायलॉन की, जो अपने रस्से वगैरह आते हैं वो इसी के बने हुए होते हैं। तो नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट तो ये होगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नायलॉन फाइबर आर इलास्टिक एंड लस्टर। ये क्या होते हैं, काफ़ी इलास्टिसिटी इसके अंदर पाई जाती है, और ये क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। थर्ड हो गया, नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। ये क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नायलॉन इज अ रिंकल रेजिस्टेंट। इसके अंदर क्या है कि झुर्रियाँ नहीं पड़ती, कुबड़ नहीं पड़ती, इसलिए इसकी प्रेस व्रेस करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड देन हो गया, नायलॉन इज नॉट अटैक बाय फंगस, मॉथ, सिल्वर फिश एंड अदर इंसेक्ट। कि नायलॉन को ना तो इसके ऊपर कोई फंगस लगता है, ना ही कोई मॉथ लगता है, ना ही इसके ऊपर कोई सिल्वर फिश को बोलते हैं, जो अपने कपड़ों के अंदर मिलता है, अगर बहुत दिनों तक कपड़े रखे रह जाए तो बुक्स वगैरह के अंदर सिल्वर फिश होती है, एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसकी स्ट्रक्चर होती है फिश की जैसी होती है, और इसका कलर भी कैसा होता है, सिल्वर कलर होता है, इसलिए इसको सिल्वर फिश बोलते हैं। तो ये अपना हो गया नायलॉन। अब नायलॉन की बात में बात करें इसके यूजेज की, कि नायलॉन के यूज क्या क्या है। तो नायलॉन फाइबर इज मोस्टली एक्सटेंसिवली यूज फाइबर्स इन द इंडस्ट्री एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज आर्टिफिशियल मटेरियल। कि ये क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाने वाला क्या है, फाइबर है, जिसका इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर बिकॉज इन दिस रीजन इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन द रोप मेकिंग। रोप का मतलब होता है रस्सियाँ, कि जो रस्सी वगैरह बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, नायलॉन से बनाई जाती है। थर्ड हो गया, नायलॉन फाइबर इज आल्सो यूज इन पैकिंग मटेरियल। जो पैकिंग के ऊपर लिए कपड़े बनाई जाती है, तो ये भी इसके अंदर पैकिंग की, जो प्लास्टिक्स की बैग वगैरह बनाए जाते हैं पैकिंग करने के लिए, उसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, नायलॉन का यूज किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन इज यूज टू मेकिंग बाथ स्पंज, टूथ ब्रश एंड पार्चेट, दी आर आल्सो कॉल्ड बाथ पफ। ये जो अपनी चीज़ें होती हैं जो नहाने के अंदर काम में ले जाते हैं, जैसे हम बाथ टब का यूज करते हैं, स्पंज का यूज करते हैं, टूथब्रश का यूज करते हैं, पार्चेज का यूज करते हैं, ये सब चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, नायलॉन से बनाई जाती है। इसके अलावा जो वाटर प्रूफ क्लोथ होते हैं, रेनकोट हो गया, टोपी हो गई, लेगिंग हो गई, ये सब इससे बनाई जाती है, अपनी नायलॉन से बनाई जाती हैं। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे पॉलिएस्टर के बारे में।